सुनो दोस्तों, आजकल सब प्रोस्टेट की परेशानी और किडनी स्टोन की बातें कर रहे हैं, पर ये होती क्या है? चलो समझते हैं। सबसे पहले प्रोस्टेट की दिक्कतें। उम्र बढ़ने के साथ अक्सर प्रोस्टेट बड़ा हो जाता है। इसे कहते हैं बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया या BPH। ये हार्मोन्स का खेल है भाई। फिर होती है प्रोस्टेटाइटिस, यानी प्रोस्टेट में सूजन, कभी कभी बैक्टीरिया के कारण। और आखिरी प्रोस्टेट कैंसर। ये गंभीर है, लेकिन जल्दी पता लगने से इलाज आसान होता है। अब बात करते हैं लक्षणों की। BPH में पेशाब करने में दिक्कत होती है और रात में बार बार जाना पड़ सकता है। प्रोस्टेटाइटिस में दर्द होता है, फ्लू जैसे लक्षण भी हो सकते हैं। प्रोस्टेट कैंसर। शुरुआत में अक्सर कोई लक्षण नहीं होते, पर बाद में पेशाब में दिक्कत और हड्डियों में दर्द हो सकता है अगर ये फैल जाए। इलाज के बारे में, BPH के लिए दवाइयां और कभी कभी सर्जरी। प्रोस्टेटाइटिस, अगर बैक्टीरिया से हुआ है तो एंटीबायोटिक्स। प्रोस्टेट कैंसर, एक्टिव सर्वेलांस से लेकर सर्जरी तक, केस के हिसाब से। अब बात करते हैं किडनी स्टोन की। पानी कम पीना और खान पान का बड़ा असर होता है। ज्यादा नमक, प्रोटीन या पालक, सावधान रहो। फैमिली हिस्ट्री और कुछ बीमारियां भी खतरा बढ़ा सकती हैं। इसके लक्षण मजाक नहीं, भयानक दर्द, पेशाब में खून, उल्टी। इलाज पानी पीने से लेकर बड़े स्टोन के लिए सर्जरी तक हो सकता है। बचाव, खूब पानी पियो और अपने खान पान पर ध्यान दो। कोई सवाल है? नीचे कमेंट करो। JJ अस्पताल आगरा के डॉक्टर शुभम लवानिया तुम्हारी मदद करेंगे। सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना मत भूलना। अपना ख्याल रखो दोस्तों।